कहाँ आ गए हम। चारों तरफ घर ही घर है। पूजा, हमने जाना कहाँ है मालूम नहीं। मैं तो जीपीएस फॉलो कर रहा हूँ, दोनों जीपीएस सेम दिखा रहे हैं। ये कहाँ बनाया यार, घरों में कहाँ बनाया होगा। ये नई जगह जा रहे हैं हम इस बार। मैंने कहा था आपसे नई जगह है। मुझे लग रहा था कि आई तो मे भी गए होंगे, क्योंकि ये गेड़े हैं जो पेपर के, तो ज्यादातर सेम लोकेशन ही आती है हमें, इसलिए मुझे लगा। ये देखो ग्राफिटी बनाई है, और देखो कैसी जगह होगी। ये होता है आप अगर आप दो जने हो ना, तो फिर थोड़ी सी आपको स्ट्रेस कम रहता है, टेंशन कम रहती है कि कोई ना दो जन है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो फिर तो एक बार से ना दिल तो धक धक करता है, जब तक आगे से कोई ट्रक ना दिखे कि कहाँ जा रहे हैं, हम सही भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि तो सभी तरफ घर ही है यहाँ पे, और फोन वाला जीपीएस कह रहा है यहाँ से मुड़ो, यहाँ से। हाँ, सड़क तो खुली डुली है जी। और ये भी ये कह रहा है इधर, ये मुझे लगता है ये वाली तो नहीं कहीं। फोन में देखा थोड़ा जूम करके, आपका देखते तो है आगे लेके जा रहा है थोड़ा। हाँ, फोन में देखो ना कैसे होगी इसकी एंट्री। फोन में तो एंट्री दिखा रहा है ये। तो फिर चलो मोड़ लो, नहीं तो रोड तो वाइड ही है, आगे से घूम के आ जाएंगे फिर। और हाँ, मुझे पीछे लगता है जी, और आप तो वही तो मैं बोल रही हूँ। तो देखते हैं वेटरन्स पार्क अपार्टमेंट्स। यार अब देखो वो शीशे में ना सारा दिख रहा है। ये फायदा है जो हुड मिरर है ना, तो पीछे तक दिख रहा है सब। अब बसें बड़ी अच्छी हैं इनकी तो ये कह रहा है। ये मुझे लग रहा है बस अड्डा इधर। हेलो, बस अड्डा। ये तीन बसें बड़ी हैं। यही है शिपिंग एंड रिसीविंग लिखा हुआ है। लिखा हुआ है थोड़ा, लिखा है शिपिंग एंड रिसीविंग थोड़ा हमसे पहले भी। हाँ, तो वो किधर से निकलेगा, उसको तो सीधा ही निकलना पड़ेगा। वो आगे तक तो डंडे लगाए हुए हैं इन्होंने। तो अभी मैं उतर के जा रही हूँ, तो हमने सोचा कि एक बार ही जाके देखा है ना। मैंने सोचा कि एक बार ही जाके देखा है कि कहीं फंसा ना ले, या उसको ना हम फंसा दे कि उसका निकलना बाहर मुश्किल हो जाए। तो दूसरा ट्रक खड़ा है, सो लेट्स सी। तो वो कहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट तो 10 बजे की है, 9 बजे की नहीं है। तो अभी वो कहता कि ऐसे ही यहाँ पे रोड पे वेट करो। ये देखो, वो कहता ऐसे ही इसके पास थोड़ा सा लगा के खड़े हो जाओ, तो जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको बुला लूंगा। कहता कि हम दो ही जने हैं यहाँ पे अभी ट्रक खाली करने को, तो जो लगा हुआ है पहले उसको करेंगे, और फिर कहता मैं आपको आके बाहर बता दूंगा, और आप फिर अंदर बैग लगा लेना। तो हम जा रहे हैं कॉफी पीने। मैंने आपको सरप्राइज दिया, मैंने आपको उठाया कि आइए कॉफी पीजिए जी, कॉफी पीजिए। हाँ। वैसे तो मैंने आपके लिए वो गर्ली सा ढूंढा था, पिंक पिंक, लेकिन आप कह रहे हो उधर नहीं जाना। और यू नो वहाँ पे सारी कॉटन कैंडी, पिंक, ऐसे वो वाली कॉफी। तो लड़कियों को वही पसंद होता ना, पिंक। I don't like it. नहीं, no. वो क्या कहता है, एक और बात, वो कहता अच्छा 2 घंटे में वापिस आओ। वो ठीक है। वहाँ पे पता क्या, शुगर फ्री चीज मुझे नहीं लगता कोई मिलेगी। कहाँ पे नहीं है, मैंने देखा सब कुछ। पर यार वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। ये वाला चलते हैं, इसमें ना थोड़ी वो ऐसा लग रहा है मेन्यू देखे मैक्सिकन वाली कॉफीज है यहाँ पे, बड़े अलग अलग से नाम है, थोड़ी सी डिफरेंट भी लग रही है। और ये है बस अड्डा, वो नहीं था। ओ हाँ, ये है बस अड्डा। पमोना रीजनल ट्रांजिट सेंटर लिखा भी हुआ है। ट्रेन आने लगी इधर से। रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते हुए 4, 5, 6 कर ही लिया। नहीं, 3 ट्रैक हैं, वो छेद है। अच्छा, डंडे छेदे, ये छेदे, पागल। वो जी काफी बिजी है। हाँ, सुबह सुबह काफी लोग आ रहे हैं। यप। चागा, चागा, चागा कॉफी। और देखो कप कितना बड़ा दिया उन्होंने, स्मॉल कप। और ये पता कितने में पड़ी कनाडा के? हाँ जी, $17 में, $17 कुछ सेंट में। बट चागा चीज क्या है, हमने उसको पूछा कि एक ना हर चीटा करके कुछ चीज थी, हम पूछा इसमें शुगर होती है? तो वो कहता हाँ। तो कहता आपको शुगर नहीं चाहिए? हमने कहा कि हाँ। तो उसने बोला कि चागा ट्राई करो। तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा ना ऑनलाइन मैंने ऐसा देखा था, अर्थी अर्थी फ्लेवर है। और ये ना जो किसी ट्री में मशरूम उगती है, तो वो मशरूम को ग्राइंड करके ये फ्लेवर बनाते हैं। तो चला गया वो, चला गया। मैं उसको बोलती हूँ शुड वी कम इन, और फिर ये कॉफी ले जाओ आप। ये बोलना नहीं होता, ये पूछना होता है। हाँ, पूछती हूँ। कंफ्यूज कर देते हो अगले बंदे को आप भी ना। चलो जाओ फिर पूछ के। पाल जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये एंट्री है, और यहाँ से घुमा के पहले तो वो सीधा करेंगे, और फिर ये रेलिंग के साथ साथ करके यहाँ पे बैक लगाएंगे। आगे वैसे तो जगह काफी खुली डुली है, बट वहाँ पे आई थिंक यू टर्न मार के तो इजीली लग जाएगी। तो थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा उधर से घुमा के फिर ऐसे अंदर आएगा। तो उसके लिए पाल जी हॉर्न मार रहे हैं। तो बस को निकलने पे पहले, नॉट इन सर्विस है वैसे तो। चलो, काम पे तो कोई नहीं लेट होने लगा। वैसी, हाँ एग्जैक्टली वैसे ही लगेगी जैसे मैंने सोचा था। तो इसके दूसरी साइड पे जाके करेंगे, पहले डोर्स वगैरह खोल ले, वायर वाली सील है। तो आज मैंने सोचा कि बैक मैं लगाती हूँ। तो सीधा तो ऑलरेडी पालजी ने कर दिया था, डोर वगैरह खोल दिए, और वायर वाली सील काटनी काफी मुश्किल होती है। बट जैसे कि हमने पहली वीडियोज में भी दिखाया, हमने उसकी ट्रिक ढूंढी हुई है कि एक्चुअल में वायर को नहीं काटना, उसका जो वो ब्लू वाली चीज़ होती है उसको काटना होता है। तो बैक यहाँ पे लगानी जितनी इजी मुझे लग रही थी उतनी थी नहीं, क्योंकि रेलिंग जो थी लगी तो उसके बिल्कुल साथ साथ लेके जाना था। ये देखो, बिल्कुल साथ साथ लेके जाना था, और ट्रक को शुरू से ही सीधा करके लेके आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट का या टायर घुमाने का इतना चांस था नहीं। तो ये हमारी लगी है बैग। जब तक हमारी डिलीवरी हो रही है, आप शहर के नज़ारे देखो, शहर के नहीं एक्चुअली गाँव के। तो साथ में ही रेलवे ट्रैक्स हैं, और ये देखो कितने सारे कंटेनर लेके जा रही है ट्रेन। मतलब ट्रकिंग का काम इस चीज़ की वजह से भी स्लो हुआ है। और ये साथ में बस अड्डा था जो हमने आपको पहले दिखाया था, और ये सामने हमारा ट्रक खड़ा जिसमें से डिलीवरी हो रही है। तो लोकेशन को ऊपर से देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितनी की जगह थी यहाँ पे। और आसपास देखो तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है ना। तो यूजुअली इस टाइम पर कैलिफोर्निया में पूरी धूप चढ़ी होती है, इतनी गर्मी हो जाती है ना इतने टाइम तक। तो बट आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल हुए पड़े हैं थोड़े थोड़े, और व्यू तो आप देख ही रहे हो। छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। एंड ये हमारी डिलीवरी हो रही है, होपफुली अब तक होगी। तब तक मैं जाके चेक करती हूँ, और थोड़ा बहुत आप नज़ारा देखो, वो सामने बसेस भी खड़ी हैं। एंड इट्स गुड, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। पाल जी मेरे को ग्लव्स दे दो। तो वो कह रहा है कि आपके ना ट्रेलर में कार्डबोर्ड है, तो वो कहता है कि अगर आपको गार्बेज करने हैं तो आप उधर गार्बेज कर सकते हो। ये जो बड़ा वाला हरा सा बिन है ना, इसमें कहता फेंक दो। तो अभी पाल जी को मैंने बोला कि बाहर निकाल के ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैक करे सो दैट मैं उसको यहाँ पे फेंक दूँ। पता नहीं कितने कार्डबोर्ड है, तो अच्छा है ही इज लाइक कोई बात नहीं वहाँ पे फेंक दो। तो पाल जी भी पेपर वर्क सेंड कर रहे हैं कंपनी को, पहले वो काम कर ले तब तक हमारा वापसी का लोड पता चल जाए हमें। थोड़ा सा उसके पास ले जाते हैं सो दैट मैं उसको एटलीस्ट ऐसे ही फेंक सकूं उठा के। तो काफ़ी कुछ है, मेरी आवाज़ गूंज रही होगी मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो फेंकती हूँ इसको मैं। निकल चुके हैं हम अपनी डिलीवरी करके। अब ये गाड़ी वाले रुक जा भाई, सियाना है बंदा, सियाना है। ओ वाओ पाल जी, काउस। मैं सोच रहा था कोई मार्केट देखें अगर पास में, तो ये मार्केट ही थी। मैंने देखी थी पहले ये, तो यार बताया क्यों नहीं, हम यहाँ से कुछ उठा ही लेते। मेरे दिमाग में नहीं आया घर का, जैसे जो पुराने गाँव होते है ना वैसा है ये। हाँ ये मतलब ग्राफिटी वगैरह भी की हुई है काफी है ना। वो दूसरी साइड पता क्यों उतना वो पेंटिंग वो ग्राफिटी वो जो भी होता है बनाया था। हाँ। वहाँ पे वो है फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट, कॉलेज टाइप है ये। एक और मार्केट कितना पुराना सा लग रहा है ना। ओ यार सोल दैट बैको, ये क्या है सोल दैट, पता नहीं क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। तो काफी मतलब एंटीक सी वाइब दे रहा है ये, है ना। कॉफी शॉप भी कितनी अच्छी थी। वो आई लाइक इट। एंड हमने कुछ आज नया ट्राई किया, चागा। तो हमने आज चागा ट्राई किया, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। तो दैट वाज रियली नाइस वन, बड़ा अच्छी सा टेस्ट था, ऐसा लग रहा था बड़ी फाइन सी मिट्टी पानी में घोल के पी रहे हैं हम बट बड़ा अच्छा था, आई रियली लाइक इट। तो अभी यहाँ से हमने जाना है 65 किलोमीटर दूर, जहाँ से हमने इसे छोड़ना है और लोडेड उठाना है। या लेकिन ये मुझे घर बहुत पसंद आ रहे हैं यार। है ना, वो छोड़ो यार हरियाली कितनी है यहाँ पे, पेड़ कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। वो थोड़ी पीसफुल वाइब आ रही है इसकी, है ना। हाँ जैसे पीसफुल एरिया है ये, बिजी है शहर है छोटा सा लेकिन पीसफुल है। हाँ, मतलब गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। हाँ, भी घर भी कितने ओल्डीज हैं। हाँ ओल्डीज लेकिन अच्छे हैं घर। या तो हाँ बताया तो है नहीं हम आए कहाँ थे, तो ये था पोमोना कैलिफोर्निया में। बताया था आई थिंक पहले हमने शायद, चलो अभी बता दिया। हाँ पोमोना कैलिफोर्निया में था जी, काफी अच्छा शहर है। आई थिंक हम पहली बार आए हैं यहाँ पे कि नहीं। जी पहली। यूजुअली इसका एग्जिट ही दिखता होता था हमें कि ये वाला हाईवे पोमोना को जा रहा है, पर आए हम पहली बार है अंदर। एंड इट्स रियली ये लो हाईवे बंद किया हुआ इन्होंने, कर लो बात। अब हम कहाँ जाएंगे? वो नहीं वो वहाँ से थोड़ा सा कट दिया था इन्होंने, छोटा सा कट था वो। हाँ बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे? फ्लैशर लगा लो। बजगी यूटन, बजगी। मजा होता है छोटे छोटे शहरों का अगर कहीं और शहर में होते तो यू टर्न नहीं लगनी थी, ट्रैफिक ही नहीं रुकनी थी यार। मालूम ही नहीं चल रहा, देखना वो कितना छोटा सा कट दिया इन्होंने। कहाँ से है? वो देखो ओ ये गाड़ी आई, जहाँ से ये गाड़ी आई यहाँ से निकलना चाहिए था हमें। हाँ तो जो हम आए पहली बार तो वो उसे कंफ्यूजन होगी। मीटर ऑन है आगे? नहीं ऑन नहीं है, लिखा हुआ था आई थिंक, लेकिन सामने देखो। ओ सॉरी लाइट चली गई है इनकी गई। थोड़ा सा जी हाईवे दिखा दो यार, ये 10 हाईवे है। ध्यान से वो उसने फ्लैशर लगाए हैं। ये भी इंटरस्टेट हाईवे I-10 हाईवे है जी। हाँ स्लो 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 नो रश सुपर स्लो स्टाइल। चलो ठीक है फिर तुम स्लो स्लो आ जाओ। हमें जाने दो भाई। तो ये था हमारा आज की डिलीवरी का एक्सपीरियंस और